शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे प्रणाम। तमक ताक तक सो धनु धरही, उठे न कोटि भांति बल करही। तमक धर्यो धन मूढ़ नृपो, उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि एक एक राजा धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया पर धनुष नहीं उठा, पुनः अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। तत्पश्चात एक दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगे उठामन पर तरई न तारा। हाँ ध्यान दे, हमारे श्री हनुमान जी पहलवान 10 10 एक ही 12 और लगी उठामन पर तरई ना तारा। अरे डगे ना शंभु सरासन कैसे, अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब एक तीसरा दृश्य देख रहा हूं, कितना कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल अजगों के समीप आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये सभी वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। ऐसा मान कर, ये ऐसा सोच कर देखो ना सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। हाँ ध्यान दें, ये है श्री अरुण कुमार जी तिवारी। ने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी, मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा यह सोच कर कि क्या होगा मेरे प्रण का। और प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा, ये स्वयंवर का साज, अरे देखो ना ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। मैंने तो ये कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा में परिवर्तित हो गई। अरे विधाता ये तूने क्या किया, क्या किया तूने? यदि मेरे भाग्य में बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर तूने नहीं लिखा था, बेटी जानकी के पीले हाथ करने का शुभ अवसर यदि मेरे भाग्य में नहीं लिखा था तो अरे इस अभागे जनक को, इस अभागे पिता को ये बेटी क्यों दी, ये बेटी क्यों दी? ऐसा दिन दिखाने से पहले
ऐसा दिन दिखाने से पहले इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता, या तो ये धरा धस जाती और ये जनक समा जाता। हाँ, ध्यान दें, श्री हनुमान पहलो और हमारे श्री राम कृपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने नेत्रों से सारा जीवन अपनी बेटी को रोता हुआ बिलखता हुआ कैसे देख पाऊंगा। राज सिंहासन में बैठा बैठा जिस समय अपनी बेटी को अपने नेत्रों के सन्मुख जाते हुए देखूंगा तो मेरा हृदय फट जाएगा। आशा अब निराशा में परिवर्तित हो गई। और मेरे बंधुओं, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो यह रूह किस तरह से कसम साती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। और ये हमारे भैया अरुण तिवारी जी, ब्रह्म विचार मंच राठ हमीरपुर, महामंत्री चिल्ली, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी चिल्ली राठ हमीरपुर, ये पुनः 101 मुद्राएं महाराज जनक जी के सुंदर अभिनय पर धन्यवाद। दीपो दीपो के दीपो दीपो के भूपति नाना ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना। ये सभी महिपाल हमारे प्रण को ही सुनकर के आए हैं। और हमारे शिवनंदन राजपूत चिल्ली टंकी वाले भैया, आपकी ओर से 20 पत्र पुष्प मुद्राएं जनक जी के कारुणिक विलाप में भेंट हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शाजवा, इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं, ऐसा कोई भी भूपाल नहीं जिसने हमारी प्रण को न सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे है? ये साधारण कोट की वीर नहीं, सी स्वयंवर भूप अनेका सबते सुभद एक ते एका हारे सकल भूप बरियारा पर शंभु सरासन काहु न टारा। देवो दनो जो धारी मानो जो शरीरा, देवो दनो जो धारी मानो जो शरीरा, बेपोलो वीर आये रण धीरा। परंतु अब मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूल हो गई भारी। हमें ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा, क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा, क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? कहना तो नहीं चाहता था पर अब कहने पर विवश हो गया। उपस्थित महिपालो, अब मैं एक सामूहिक घोषणा कर रहा हूं। अब जन को माखे भट मानी, अब कोई माखे नहीं, अर्थात अब कोई कह की न सुनावे, क्योंकि मौखिक वार्ता अब मैं सुनना नहीं चाहता। अगर वीर है, अपने आप को वीर मानता है, तो आवे धनुष को उठावे, तोड़ कर दिखावे,
तो वीर स्वीकार लूंगा, लेकिन अब मैं एक सामूहिक घोषणा कर रहा हूं, अब जन को माखे भट मानी, अभी जानी को माखे भट मानी, क्योंकि बीरो पीहीनो मही मैं जानी। अब एक कार शेष बचा है नृपालो, तजहु आस निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाहू। अब मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग में अब तो विवाह ही नहीं लिखा, विवाह ही नहीं लिखा। बहुत सी यहां पर बेटी की पिता उपस्थित है और बहुत सी यहां पर वो बेटी की माताएं उपस्थित हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके पालन किया है, जिन बेटियों का लालन पालन किया है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। हाँ, ध्यान दें, हमारे श्री हनुमान पहलवान और श्री बागराज जी विश्वकर्मा, हमारे भैया ब्रजेश कुमार जी राजपूत और श्री स्वतंत्र कुमार जी तिवारी और श्री राम कुमार जी काकू, श्री हरनाथ जी दादू, ये पुनः सौ मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं, धन्यवाद। बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं, जिनके घर में बेटी ही नहीं, अरे जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पारे घर घाल को बोला जो न भीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसो के पीरा। वो बांझ स्त्री, वो बांझ स्त्री भला क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर उसे मिला ही नहीं। कोई जाओ जाकर के उस मां से पूछो, जिस मां ने बेटी को जन्म दिया है, बेटी की पीड़ा होती क्या है। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं। हाँ, ध्यान दें भाई प्रदीप, लाइन मैन के दोनों बच्चे यश कुमार और क्रेश कुमार, दोनों बच्चों की ओर से 21 मुद्राएं महाराज जनक जी की कारुणिक विलाप पर प्रदान हो रही हैं, भगवान उनका कल्याण करें। जिसने कन्या चाही ही नहीं, ध्यान देना सज्जनों, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, जिन पाँव बीमाई फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। हाँ, ध्यान दें, वो पीर पराई क्या जाने। हमारे भैया अरुण जी तिवारी, ब्रह्म विचार मंच राठ हमीरपुर, महामंत्री चिल्ली व डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह चिल्ली राठ हमीरपुर, सौ मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं महाराज जनक जी के कारण विलाप पर, धन्यवाद। और सज्जनों, जिसने की बेटी विदा ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। एक विदाई का दृश्य मैंने अपने नेत्रों से देखा सज्जनों,
प्रातः काल का समय था। एक बेटी की माता, एक बेटी के पिता बेटी को विदा कर रहे थे। और यह दृश्य, मैं एक स्थान पर खड़ा होकर के इस दृश्य को देख रहा था। मैंने देखा कि रोती हुई बेटी को पिता ने अपने गोद में लेकर डोली में बैठा दिया, और बैठाने के पश्चात वो पिता रोती हुई बेटी को देखता रहा, देखता रहा, और मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हाँ, ध्यान दें, हमारे श्री राम रतन जी अनुरागी, राम रतन अनुरागी चिल्ली, इंक्यावन मुद्राएं महाराज जनक जी के कारणों के विलाप पर धन्यवाद। इतना कष्ट होता है जब एक पिता अपनी बेटी को अपने आप से दूर करता है। जिसने की बेटी विदा ही नहीं, ध्यान देना सज्जनों, सोने की बेटी पिता ही नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और सज्जनों, याद करी वो समय, कल्पना करी उस समय की, जब समय आता है कन्यादान का, जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं, और पीले हाथ करने के पश्चात अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं। उस समय कैसा लगता है उस माँ को, और कैसा लगता है उस पिता को? उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, समय आता है विदाई का। बहुत सी ऐसी माताएं बैठी होंगी, बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटी को विदा किया होगा। समय आता है विदाई का, विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं। सज्जनों, बेटी बेटी एक स्थान पर चुप बैठी होती है, शांत। लेकिन होता क्या है कि बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, ध्यान देना, बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, अरे कोई कहता है समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोने लगती है। बेटी बेटी अपनी माँ के समीप जाती है, माँ माँ कहकर माँ के छाती से लिपट कर रोने लगती है, और कहने लगती है, माँ मेरे पिताजी कहाँ है, अरे कोई जाओ मेरे पिता को मेरे समीप लेकर के आओ। एक व्यक्ति जाता है बेटी के पिता को लेकर के आता है। बेटी का पिता आ तो जाता है सज्जनों, लेकिन जैसे जैसे उस पिता के कानों में वो रोती हुई बेटी की, बिलखती हुई बेटी की आवाज पड़ जाती है, बस वापस हो जाता है पिता, चला जाता है दूर और एक कोने में छिप करके बैठ जाता है। इतना रोता है वो पिता, इतना रोता है। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है। हाँ, ध्यान दें, हमारे श्री हनुमान पहलवान और बागराज जी विश्वकर्मा, हमारे भैया ब्रजेश कुमार जी राजपूत और स्वतंत्र कुमार जी तिवारी, राम कुमार काकू
और हमारे भैया हरनाथ जी दादू, उनकी ओर से ये 100 मुद्राएं महाराज जनक जी के कारुणिक विलाप पर प्रदान हो रही है, धन्यवाद। और पुनः हमारे अरुण तिवारी जी, ब्रह्म विचार मंच राठ हमीरपुर महामंत्री चिल्ली, व डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी चिल्ली राठ हमीरपुर, दोनों बंधुओं के ओर से ये 200 मुद्राएं महाराज जनक जी के कारुणिक विलाप पर प्रदान हो रही है, धन्यवाद। जैसे वो बेटी अपने रोती हुई पिता को देखती है, बेटी का पिता सोचने लगता है अब जाऊं और जाकर के अपने हाथों से बेटी को विदा करूं, बेटी का पिता चल देता है अपनी बेटी की ओर। सन्मुख से बेटी आती है और जैसे रोती हुई बेटी अपने रोती हुए पिता को देखती है तो पिताजी पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है, क्योंकि विदाई का दृश्य ही ऐसा होता है, हर माँ रो देती है, हर पिता रो देता है। क्या दशा होती है जब बेटी विदा होती है, तो बाहुरी बाहुरी हमारे भैया श्रेष्ठ डकोह निवासी, उन्होंने 50 मुद्राएं जनक जी के कारुणिक विलाप में भेंट करी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बहुरी बहुरी भेटाही महतारी और कहाई बिरल की रची का तुनारी। कैसे रोती है बेटी, कैसे रोती है बेटी जब विदा होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तपुली पटोली पट्टी कर मां से रोवे बेटी, ध्यान देना सज्जनों, तपुली पटोली पट्टी कर मां से रोवे बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। और वो माँ करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी जब अपनी माँ को रोता हुआ देखती है तो रोती हुई माँ से कहती है, माँ अरे माँ तू क्यों रो रही है। माँ हर बेटी को एक ना एक दिन अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने परिवार से दूर होना पड़ता है। माँ तुम तो जानती हो, लेकिन क्यों रोती हो माँ, बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है। ध्यान देना सज्जनों, बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है, क्योंकि बेटी पराया धन होती है। तो माँ कहती है, बेटी मैं ये जानती हूं कि बेटी पराया धन होती है, परंतु माँ इतनी कठोर कहाँ होती है। बेटी की माँ कहती है, ए तो नी कठोर कहाँ होती है, क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, बेटी पराया धन तो होती है, परंतु ये बेटियां अपने माता पिता के कलेजी का एक टुकड़ा होती है। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, और भैया जयपाल अनुरागी जी जिटौरा निवासी, उनकी ओर से 50 मुद्राएं जनक जी के कारुणिक विलाप में सादर भेंट हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु और ध्यान दें,
हमारे अरुण तिवारी जी ब्रह्म विचार। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, माँ पर दुख आता है, तो एक क्षण बेटा तो पीछे हट जाता है, लेकिन ये बेटियां उस दुख को सहने के लिए आगे हो जाती हैं। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी अपना जीवन तो कष्ट में व्यतीत कर लेती है, कष्टों को सहती रहती है, लेकिन अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं देख सकती। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी लाखों पराया धनु है, ध्यान देना सज्जनों, बेटी लाखों पराया धनु है, बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, तो ये तो भाग्य की बात होती है। अगर बेटी हो जाए, तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है, जिस समय बेटा होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, सहनाइयां बजवाते हैं, बेटा हुआ है। जिस घर में संतान हो, जिस घर में बेटा हो, उस घर में जाकर के देख लेना कितनी खुशियां छाई होंगी, और जिस घर में बेटी हो उस घर में जाकर के देख लेना, अंतर मिल जाएगा। हाँ, ध्यान दें, हमारे भैया राम अवतार महान वीरेंद्र दुकानदार यज्ञ मेला समित चिल्ली, उनकी ओर से 50 मुद्राएं महाराज जनक जी की विलाप पर, धन्यवाद। क्या बेटी का होना, क्या कोई दुर्भाग्य है? बेटी का होना दुर्भाग्य नहीं, बेटी का होना तो सौभाग्य है। मेरे मित्रों, आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? अरे जिस दिन आप लोगों से ये बेटियां दूर हो जाएंगी, तो मेरे मित्रों प्रलय आ जाएगा। क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी तो भला ये संसार होगा? उत्तर मिला, नहीं होगा। कितना स्वार्थी संसार है कि सबको बहू चाहिए, बेटा का। हाँ, ध्यान दें, हो जाए। हमारे भैया हनुमान पहलवान और बागराज विश्वकर्मा जी, ब्रजेश कुमार राजपूत जी, स्वतंत्र कुमार तिवारी जी, और हमारे भैया राम कुमार जी काकू और हरनाथ जी दादू, उनकी ओर से पुनः स्वमुद्राएं प्रदान कर रही हो रही हैं, धन्यवाद। और अंत में कहना पड़ गया, हाय सीते, हाय सीते, तेरे ये दुखो हमसे सहे जाते नहीं। बेटी, अब ये दुख देखा नहीं जाता, ये कष्ट अब सही नहीं होता। बेटी, हाय सीते, तेरे ये दुख हमसे सहे जाते नहीं। तेरे नैनों का नीरो अब देखा जाता नहीं। बेटी, तुम्हारे नेत्रों से बह रही अश्रु की धारा को देख करके इस पिता का हृदय फट रहा है। बेटी,
सोचा था, और मैंने ही नहीं जब बेटी का जन्म होता है तो संसार का हर एक पिता सोचता है और बस उसी दिन से कल्पनाएं करना प्रारंभ कर देता है। सोचा था आपो ने हाथों से हल्दी मैं तुम्हें लगाऊंगा, अपने अपने इन्हें हाथों से बेटी डोली में तुम्हें बैठाऊंगा। और बेटी ऐसा कुछ संभव न हुआ, ऐसा कुछ संभव न हुआ, और भागो हमारा फूट गया। ऐ बीरो तुमको तो से नहीं, क्योंकि स्वयं विधाता रूठ गया, क्योंकि स्वयं विधाता रूठ गया। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन वीरों में वो स्फूर्ति। देखो देखो मिथिला वासियों, देखो देखो महिपालो, मेरी बेटी की ओर रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग, अब जाओ यहां से भाग, क्योंकि धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी करंग, सचियो सभा समाप्त करा दो, सीता की सखियो ले जाओ हमारी बेटी को अंतापुर, पुनः सुशोभित करो। और ये है हमारे भैया श्री संतोष कुमार जी राजपूत, संतोष।